हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त प्रज्ञा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 21 अप्रैल शाम 7:30 बजे होने वाले मैच एट चिन्नास्वामी स्टेडियम बिटवीन CSK एंड आवर सेकेंड टीम सनराइजर्स हैदराबाद। जहाँ बात करें इन दोनों टीम की प्रीवियस रिकॉर्ड, मैच एनालिसिस, सब कुछ की CSK चल रही है हमारे पॉइंट टेबल पर नंबर 3 पर, मतलब डिस्ट्रक्टिव बैटिंग ऑर्डर। वहीं दूसरी तरफ हमारी सनराइजर्स हैदराबाद का हाल कुछ पीका चल रहा है, क्योंकि ये चल रहे हैं पॉइंट टेबल पर नंबर 9 पर। अब बात करते हैं इनके पूरे की प्लेयर्स, बैटिंग, बॉलिंग ऑर्डर एंड सब कुछ की, एंड पिच की स्पेशली, एंड देन फॉर द प्रोडिक्शन। तो आई टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। जहां बात करें CSK की, CSK के पास धुआंधार बल्लेबाजों की कमी नहीं है। चाहे ओपनर में ऋतुराज गायकवाड़ हो, जिनका रन रेट क्या तगड़ा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देवान कॉनवे जो मात्र सिर्फ 19 रनों के उनके पीछे, उनका स्ट्राइक रेट भी कहीं किसी से कम नहीं है। इन दोनों के अलावा अगर हम बात करें अजिंक्य रहाणे की, तो CSK से IPL में इस साल का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन रेट उनका ही है। मतलब कोई किसी से कम नहीं है। पूरी टीम कलेक्टिवली अपना बेस्ट दे रही है टीम को इस साल IPL जिताने के लिए। अब बात करते हैं गेंदबाजी की, रविंद्र जडेजा का कोई जवाब नहीं। गेंदबाजी के मामले में वो तो तब से बेहतरीन है और सामने वाली टीम के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखना ये होगा कि इस बार कौन टीम में जान झोंकेगा CSK को जिताने के लिए। अब बात करते हैं हम दूसरी तरफ ही हमारी दूसरी टीम सनराइजर्स हैदराबाद। हैरी ब्रुक IPL में सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर्स में से एक है, मगर वो भी सिर्फ पहले मैच में ही 100 रन बना पाए और बाद के मैचेस में टोटल सब मिला के 38 रनों का योगदान दिया है। कुछ फायदा नहीं, मयंक अग्रवाल से रन एक्सपेक्ट किए गए मगर वो बना नहीं पा रहे। कप्तान खुद अब 2 मैच जीतने के बाद कुछ रन का परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी गेंदबाजी में ध्यान देने की और साथ ही साथ बल्लेबाजों का। बल्लेबाज के अलावा गेंदबाजी का तो और भी बुरा हाल है। तो मतलब अगर मयंक अग्रवाल को बल्लेबाजी की जरूरत है, तो मयंक मार्केंडे को गेंदबाजी की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि क्या कैसा चलने वाला है। टाइम फॉर नोइंग द की प्लेयर्स। तो CSK के की प्लेयर्स में ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, देवान कॉनवे एंड हमारे प्यारे जडेजा। वहीं बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, सनराइजर्स हैदराबाद की की प्लेयर्स हैं टी नटराजन, खुद कप्तान एडन मालकम एंड हैरी ब्रुक। टाइम फॉर प्रोडिक्शन, मेरे हिसाब पहले हम पिच की बात कर लेते हैं। अगर बात करें पिच की, तो पिच का सीन कुछ ऐसा है कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न मिलने वाले हैं। बॉल को पूरा ग्राउंड से ही मिलेगा, तो बल्लेबाजों के लिए बहुत ही मुश्किल है रन बनाना। तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा हमें टारगेट नहीं मिलेगा। गेंदबाजों के लिए अच्छा है, जो स्पिनिंग करने वाले बॉलर हैं उनके लिए बेहतरीन तरीका है बल्लेबाजों को नॉकआउट करने के लिए। Giving the time for prediction, I'll say CSK will defeat the other team. For more things, for more updates, you can follow the link given on my screen below. Bye-bye. I'll meet you soon for the next update.